बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर नाज, आज मैं आपको वॉन्टन की रेसिपी बता रही हूँ और वॉन्टन की रैप भी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉन्टन की रैप के लिए डो बनाएंगे। 2 कप मैदा लेंगे हम। 2 कप मैदे में 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटे के बीच में स्पेस बना के इसमें अंडा डाल देंगे। 1 अदद मैंने इसमें अंडा डाला है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। अंडे को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे इसी में। 1/2 कप से भी कम इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा हमें डालना है, एक डो बनाने नहीं है। जैसे हम आटे की रोटी की डो बनाते हैं उस तरह से हमें डो बनानी है। आटे को हम अच्छी तरह से गूंदेंगे और 1/2 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हम वॉन्टन की चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। चिकन और तमाम मसालों को ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी वॉन्टन की फिलिंग रेडी है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। डो को बने हुए 1/2 घंटा हो चुका है। ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। शीट पे आटा डस्ट करेंगे। डो को रोल करेंगे इसमें अच्छी तरह से और 4 पीस में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इनमें से 1 पीस को रोल करेंगे और डो को रोल करके बिल्कुल पतली शीट बनानी है हमें। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको कट कर लेना है। मैं शीट की स्क्वायर शेप बनाऊंगी। आप राउंड शेप भी बना सकते हैं, किसी कटर या ग्लास की मदद से भी आप राउंड शेप बना सकते हैं। हमारी वॉन्टन की शीट रेडी है। इसी तरह से हमें सारी शीट्स बना लेनी है। हमने सारी शीट्स तैयार कर ली हैं। अब हम एक शीट लेंगे, उस पर फिलिंग रखेंगे। शीट को आपस में चिपकाने के लिए मैंने आटे और पानी का बैटर बना के रखा हुआ है, वो इसमें लगा देंगे और फोल्ड कर देंगे और प्रेस करके इसको चिपका देंगे। फिर दोनों साइड के कॉर्नर पकड़ के एक दूसरे से आपस में स्टिक कर देंगे। मैंने इस तरह की एक शेप बनाई है। मैंने वॉन्टन की 3 टाइप की शेप्स बनाई हैं। आप इनमें से कोई सी भी शेप बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी शेप अच्छी लगी। अब हम वॉन्टन फ्राई करेंगे। वॉन्टन हमें डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है सारे वॉन्टन।
और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। वॉन्टन पे कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम सेकेंड बैच फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी वॉन्टन रेडी हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।